दो मिनट और लूंगा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, रविदास महाराज वाणी के माध्यम से फरमाते हैं कि ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। कुबद गलत विचार, दुनिया भर के झगड़े, यहाँ की थू थू मैं ये मेरी साथ रोज लड़ते हैं। नित उठ राड करे संतोष है, जब मैं उठता हूँ भजन सुमरण करता हूँ तो ये नए नए विचार, तरह तरह के गंदे विचार, तरह तरह की गंदी बातें, ऊंच नीच की बातें, ये मेरी साथ लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। नित उठ राड करे संतोष है, अमृत में विष घोल भरे, जो मेरे अंदर शुद्ध विचार हैं, अच्छे विचार हैं, गुरु का दिया हुआ अमृत शब्द है, उसे डिस्टर्ब कर देती हैं, उसमें जहर घोलने का काम करते हैं विचार, इसलिए ये लड़ाई मेरी साथ रोज रहती है। रविदास जी कहते हैं दूसरी कली में, आप लड़े औरों को लड़ावे, यदि एक कहीं गलती की बात में कहीं एक जगह झगड़ा करता हूँ तो 10 झगड़े मेरे सामने तैयार हो जाते हैं। एक गलती हो जाती है तो उसकी 10 गलतियां मेरे सामने तैयार हो जाती हैं। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि ये जो भटकना है, ये जो तरसना है, ये माया की तरसना है। आप लड़े औरों को लड़ावे, सिख बुद्धि का नाश करे, जो मैंने गुरु का उपदेश लिया है, जो मैंने ज्ञान धारण किया है, उसका विनाश करने पे लगी हुई है, मेरे विचारों को विनाश करने पे लगी हुई है, इसलिए इससे मुझे होशियार रहना है। सिख बुद्धि का नाश करे, कुबद मेरी बैरन रोज लड़े, चाल चले जैसे मखना हाथी, कुछ भी कर लो मखना हाथी को कुछ नहीं सूझता, चाहे लठ लेके फिर जाओ, कुत्ते छोड़ दो, अपनी मस्ती की चाल में चलता रहता है। चाल चले जैसे मखना हाथी, सिर पे अंकुश रोज बजे, कैसी चाल चलती है जैसे मखना हाथी, और मैं ज्ञान विचारों के द्वारा, गुरु के शब्द के द्वारा उस पर रोज अंकुश मारता हूँ, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती। कुबद मेरी बैरन रोज लड़े, रविदास महाराज आगे फरमाते हैं, कह रविदास सुनो रे संतो, कुबद को ही मारो, ये जो हमारे अंदर कुबद उभर रही है इसे मारो, जिसने ये मार ली वो संत है, और जिसने ये नहीं मारी भाई ढोंग है, दुनिया को लूटने का तमाशा बना रखा है। रविदास जी कहते हैं, कह रविदास कुबद को ही मारो, अमरापुर में चंवर ढले। चंवर किसे कहते हैं? आपने देखा होगा सिंहासन पर गुरु महाराज विराजमान है, और मोर की बहुत बड़ी बड़ी ध्वजा, बहुत बड़े बड़े जहाज से छाज से बना रखे हैं, वो ऐसे झुलाते हैं उन्हें, उसे कहते हैं चंवर, के अमरापुर में चंवर ढले। जब ये कुबद मर जाएगी तो अमरापुर में जाकर उस चंवर का आनंद लोगे, वो चंवर ढुलेगा, नहीं तो नरक में आ रहे हो, नरक में जाओगे, भटकना रहेगी, भटकते रहो, जब तक हम गुरु के शब्द पे नहीं चलेंगे तो ना सत्संगी हैं, ना गुरुमुखी हैं। गुरु महाराज समनदास जी ने लड़ लड़ के प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत गुस्से से हमें धमका कर, डरा कर करोड़ों की संख्या में इकट्ठे किए हैं। ये बात सही है, महात्मा गोवर्धन दास जी किसी को कोई बुरा शब्द नहीं बोलते, शांत बैठे हैं, नुके भाई जो करेगा गुरु, गुरु करेगा। अरे जब गुरु के भरोसे हो गए तो गुरु करे सो हो ही, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, इसलिए भाई गुरु के भरोसे हो जाओ, इन सब बातों को छोड़ दो, आपस में प्रेम करो, हो गया हमारा सत्संग, और नाम सत्संग एक दिन के नहीं है, सतनाम सत रविदास, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय है।